दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जियो यानी ऐप जियो ऐप 20 मोबाइल है उसमें सिम का फॉल्ट दिखा रहा है। तो सिम का फॉल्ट इसमें क्या है और क्या नहीं है वो हम आपको चेक करके विस्तार से बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि दोस्तों ऐसी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो ये आइकन अभी दिखा रहा है, इसमें देख लीजिए सिम के ऊपर खड़ा डैश लाइन आ रहा है। सिम सॉकेट किसी बंदे ने इस मोबाइल का चेंज कर दिया। फिर दोस्तों इस मोबाइल में मैंने सारा कुछ किया, रीडिंग चेक किया, टोटल जो भी ये पॉइंट होते हैं इस पॉइंटों में मैंने एक एक पर रीडिंग चेक किया, फिर भी नहीं मिल रहा था। तो हमने सोचा इसका सॉकेट क्यों ना एक बार हम भी शॉर्ट दिखा रहा था एक बार, तो हमने इसका सॉकेट एक बार रिबॉलिंग किया था और मैंने सोचा वो सॉकेट उतारा तब वो सॉकेट इसका जो टूट चुका था, तो हमने सोचा एक बार सॉकेट न्यू लगा लें। तो दोस्तों हमने बहुत ज़्यादा इसमें हमने टाइम वेस्ट किया है और इस मोबाइल को रिपेयरिंग किया ही है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर बना लेकिन इसका पूरा सॉल्यूशन किया है। इसमें मैंने 3-4 फॉल्ट निकाल कर और इसका सॉल्यूशन किया है। वीडियो लंबा है दोस्तों लेकिन बहुत ही काम का वीडियो है। दोस्तों इसका जो भी आपको रीडिंग चेक करनी होती है दोस्तों, तो आप इसकी रीडिंग का वीडियो में या तो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें कौन से पॉइंट पे कितनी रीडिंग आनी चाहिए तभी सिम लगती है, तो कौन से पॉइंट ग्राउंड होता है और कौन सा वोल्टेज होता है, कौन सा डाटा का होता है, पूरा तरीका समझाया गया है उस वीडियो में। तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपकी अच्छी तरह से कोई समझ में आ जाएगी बात। तो अब हम इसका जो सोल्डिंग है वो अच्छी तरह से कर लेते हैं। आपको बहुत ही कम से सोल्डिंग लगाना है वरना ये शॉर्ट हो सकता है। तो अब इसको हॉटगन की मदद से हम वापस फिटिंग करेंगे और इसका एक यहाँ पर देख लीजिए एक जो पॉइंट है वो खुस चुका है, उसका भी हम जम्पर जोड़ेंगे करें आगे। आप पूरा वीडियो देखें हॉटगन की मदद से। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चेंज कर लेते हैं और लाइक ज़रूर। आपको हॉटगन को मीडियम रखना है, ज़्यादा एयर भी नहीं रखना है और सॉकेट को पेस्ट लगाकर और अच्छी तरह से चिपका लेना है। तो इसको आपको अच्छी तरह से पहले टिका लेना है। तो ये देख लीजिए थोड़ा ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद हम वापस से इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं और रीडिंग चेक करने के बाद हम तो सॉकेट देख लीजिए आराम से लग चुका है। अब हम इसकी वापस से रीडिंग चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या हुआ है। रीडिंग हम चेक कर लेते हैं मीटर से, डिजिटल मीटर से रीडिंग चेक करते हैं। तो आपको भी डिजिटल मीटर लेकर और रीडिंग चेक करना है। ये 5 जो टॉप पॉइंट दिए गए हैं इस पर, तो रीडिंग चेक करते हैं तो क्या आता है क्या नहीं आता है अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी रीडिंग सही आ रही है, ये पॉइंट देख लीजिए रीडिंग नहीं दिखा रहा है और ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, यहाँ तक ये दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। यानी यहाँ से कोई ये देख लीजिए आपको मीटर नहीं दिख रहा लेकिन इसमें मुझे फाइट लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक रीडिंग नहीं आ रही है। तो हमें एक जम्पर जोड़ना होता है इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर, रीडिंग सही है तो इसमें एक हम जंपर जोड़ लेते हैं। ये देख लीजिए ये पॉइंट है आपके ये और इससे और इससे, अब यहाँ तक हमने ये कवर किया है इसका जंपर जोड़ के और हम इसको एक बार फिर से टेस्टिंग करेंगे हमारा जो सॉकेट है वो सफलतापूर्वक लगा है या नहीं लगा। यदि नहीं लगा है तो आगे का ट्रिक हमें देखना भी पड़ेगा। तो आगे चेक करेंगे कि क्या दिक्कत आई है। तो जम्पर में वक्त लग रहा है दोस्तों धीरे धीरे सब होता है, आप आराम से काम कीजिए।
तो आपका काम ज़रूर सफल होता है। तो इस मोबाइल में मुझे बहुत परेशानी मिली है दोस्तों। मैं एक मिस्टेक निकालता हूँ तो दूसरी मिस्टेक मेरे सामने आ जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ट्राई एंड द ट्राई अगेन, जो इसी तरह से मैंने किया है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। तो अब हम एक बार इसको रीडिंग वापस से चेक कर लेते हैं। तो रीडिंग अभी इससे और इसकी तो यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है, ग्राउंड में ये शॉर्टिंग दिखा रहा है दोस्तों। तो ग्राउंड में शॉर्टिंग होने से हमारे ये कोई दिक्कत नहीं है, यानी हमारे कुछ सोल्डिंग शॉर्ट हुआ है, यहाँ से पास में ही सोल्डिंग शॉर्ट हुआ है। तो हम इसको डी सोल्डिंग वायर से शॉर्टिंग निकालेंगे और एक बार हम इस जम्पर को हटा करके भी चेक करेंगे। तो हम एक बार जम्पर हटा लेते हैं और जम्पर हटाने के बाद हम दोस्तों, बहुत बार हमने इसे ट्राई किया है, जम्पर हटाया नहीं है, सोल्डिंग तो सही किया है और फिर भी ये शॉर्ट दिखा रहा है दोस्तों। तो इसमें बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो मैं भी परेशान हो गया था इसको रिपेयरिंग कर करके। ये वीडियो दोस्तों 10 मिनट का है, लेकिन हमें इसमें कम से कम 4 आवर्स का टाइम लगा है इस मिस्टेक को ढूंढने में। तो हम बार बार ट्राई करते रहे, बार बार ट्राई करते रहे, लेकिन नहीं मिल रहा था। आखिर इसका सॉल्यूशन निकला है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए। ये देख लीजिए, फिर भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो शॉर्ट दिखाने का मतलब हम जम्पर को हटा के चेक कर लिया और कर लिया, सारे कुछ चेक कर लिए, लेकिन यहाँ पर ये ग्राउंड बता रहा है। तो हम एक बार डी सोल्डिंग से इसका थोड़ा पेस्ट जो शोल्डर है उसको थोड़ा क्लीन करेंगे। डी सोल्डिंग लगा कर और आपको थोड़ा पहले ये मैंने डी सोल्डिंग लगाया है और तो फिर ये साफ किया है। अब चेक करेंगे कि क्या दिक्कत आई है, जो हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद भी चेक करना होता है हमें सिम लगा कर। अब हम वापस से एक बार जम्पर जोड़ लेते हैं और फिर चेक करेंगे कि क्या दिक्कत आई है। ये सोल्डिंग हमने अच्छी तरह से करना है, वरना फिर से शॉर्टिंग की दिक्कत आएगी, क्योंकि पास में ही ग्राउंड का जो पोल है, इसलिए। तो ये देख लीजिए, सोल्डिंग हुआ है। अब हम एक बार फिर चेक करेंगे। दोस्तों मैं बहुत परेशान, मुझसे ये फॉल्ट ढूंढ रहा हूँ। आप वीडियो पूरा देखिए, मैं इसकी सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा इसमें कहाँ फॉल्ट है। बारी किसे जाओ, बढ़िया एकदम तो अच्छा लालो चलाओ लानो चलाओ ही। इसकी परेशानी से ये ढूंढा था दोस्तों। आप भी, आपने भी कभी ये मोहब्बत नहीं आ जाए इसलिए मोहब्बत उठाई है। तो दोस्तों इसमें कुछ ग्राउंड फॉल्ट हुआ है, उन्होंने शॉर्टिंग हुआ है, इसका शॉर्टिंग भी हमने निकाला और इसका जो फॉल्ट था वो भी हमने निकाला। और फिर आगे क्या होता है उसकी भी जानकारी और संभव करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोस्तों उस फॉल्ट का जो शॉर्टिंग था उसका शॉर्टिंग भी हमने निकाल लिया है। निकाला कैसे आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर एक जम्पर जोड़ा था, ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने जम्पर जोड़ा, जम्पर के नीचे लाइनिंग फाड़ थी और हमने लेमिनेशन लगाकर उसको कंप्लीट किया। ये देख लीजिए दोस्तों, ओके है, लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिली है यहाँ पर, वो आज इस वीडियो में हमने शॉर्ट करके वो भी निकाला है।
दोस्तों ये यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके पास में यहाँ से एक कैपेसिटर होता है और वो शॉर्ट हो जाने से इसमें टावर नहीं आते हैं, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने ये सॉल्यूशन निकाला है आज, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने ये जंपर तोड़ी, फिर सारा कुछ किया, सारों पे रीडिंग चेक किया और यहाँ तक ये सारी रीडिंग चेक गई, लेकिन नहीं मिल रहा था मुझे।